ऑल सेट, सब रेडी। मेरा गांव कुटी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में करीब 12,330 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2020 से पहले तक यहां 4 दिन के ट्रैक से पहुंचा जाता था, बट अब यहां रोड बन चुकी है जो मौसम और अपने मूड के हिसाब से खुली या बंद होती है। इस बार पूजा के कारण मुझे मेरे गांव जाने का अवसर मिला। इस ब्लॉग में मैंने अपनी इस ट्रिप के कुछ पल कैद किए हैं। 2 दिन दारचूला वेट करने के बाद रोड ब्लॉक हो गई थी ऊपर, उसके बाद फिर आज हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग सारे भाई बिरादर जो है ना एक कार में बैठ के जा रहे हैं। आगे जब तहाँ तक खुला रहेगा उस हिसाब से देखेंगे, अब जिस हिसाब से होता है वो बात किया जाएगा। फिर होगा दीवान लोग तो आगे अभी ग्वाल गाँव से आगे के लिए मूव किया है, आगे देखते हैं रोड कितने दिन तक खुली है, रोड कहाँ तक खुली है उस चीज़ को देखेंगे, उस हिसाब से फिर आगे के बातें होंगी। नौ घंटों की यात्रा वो भी ऐसे रोड पर आपको त्रस्त कर देती है, पर आप ये सब भूल कर खुशी से भर जाते हैं जैसे ही पावन जन्मभूमि के दर्शन होते हैं। मेरे गांव का वीडियो चारों ओर प्राकृतिक की छटा, तो हमारे सारे भाई बिरादर गांव वाले सभी है इसमें, और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने इष्ट देव को पूजने के लिए। स्थान में जाएंगे हम लोग, स्थान में जाके फिर वहां से पूजा करेंगे। आज पहला दिन है आज के स्टार्टिंग के बाद, फिर उसके बाद हाँ बाद में आगे के पूजा वगैरह स्टार्ट होगा। ये हमारे जो 36 कोटि देवी देवता हैं उनके लिए ये चीज़ें सब किया जा रहा है। ये सब जो है ना हर एक उसको देवी स्थान में जो भी हमारे पूजनीय स्थल है उन सब जगह में लगाया जाएगा। क्योंकि यह कैमरा नया है इसीलिए अनजाने में आसमान के सीन कुछ ज़्यादा ही शूट हो गए, पर इन्हें देखने के बाद मुझे मलाल नहीं है, इतना साफ और सुंदर आसमान शहरों में कम ही दिखता है। पूजा की तैयारी के कुछ पल। क्या हो रहा है? ठीक है बाचो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चकाचक। गाड़ी
क्या दम बजा रहा है क्या? तो बजा तो बजा तो बजा तो ये वो बजा तो बजा तो बजा यार एक बार बजा ये वो बजा बजा गुड बाय गुड बाय। बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। हमारे गांव के जवान बुजुर्ग सभी लोग जो है ना वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए वॉलीबॉल का आनंद लेते हुए दर्शकगण की भी कमी नहीं है, दर्शकों की भी कमी नहीं है। इतना देखो भव्य आपका जो प्लेग्राउंड है उसके आसपास सभी लोग हैं प्लेयरों का मनोबल बढ़ाते हुए। कितना देखो ये 12,330 फीट की ऊंचाई में हैं हमारे गांववासी सभी लोग जो है ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये देखो सभी लोग अभी इस टाइम पे भी शाम के 6 बजे करीब में बहुत ठंड है अभी भी यहाँ जो है ना ठंड है। देखो दीवारों में सभी गड्ढा ये मेरा पैतृक मकान है जिसका मेन द्वार है और देखो हमारे बुजुर्गों ने कितने अच्छी तरह इसको बनाया है। काश्तकारी देखो इसकी पत्थर देखो एक एक कितना महत्व रखता है ये इस चीज़ का। और हमारे यहाँ आंगन में ये हर किसी के उसमें दो ये जिसको दर्चो बोलते हैं हम लोग ये आपका जैसे और लोगों के वहाँ भी रहता है ऐसे है ये। और ये दृश्य सुबह का कितना मनोहर ये है कितना मेरे गांव के चारों ओर का ये दृश्य है सुबह का ये बिफोर 6 अर्ली इन द मॉर्निंग हाँ नज़ारा। यह हमारा पांडव किला है
देखिए गांव के चारों ओर बिल्कुल खेतों के ऊपर बना हुआ ये पांडव किला, कितना मनोहारी दृश्य है ये पांडव किला हमारा। बहुत बढ़िया जवानों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय 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 जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवानों, बहुत बढ़िया। हे परमेश्वरी, यहाँ आपको हमारे पारंपरिक नृत्य जिसमें ढाल और तलवार भी इस्तेमाल किया जाता है नजर आएगा। कुटी में सारे पूजा और बड़ानी समारोह संपन्न होने के बाद मैं गुंजी गांव में अपनी दीदी के घर आ गया। व्यास मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जाते हुए ये रोड। व्यास ऋषि के प्रांगण में कुटी और गुंजी की यह यात्रा सफल रही। मैं न केवल सारे पूजा और बड़ानी समारोह में सम्मिलित हो पाया बल्कि कुछ दिन शहरों की भागदौड़ से दूर अपनी जन्मभूमि में समय भी बिता पाया। आशा है आपको मेरे इस प्रथम ब्लॉग को देखकर अच्छा लगा होगा।